चैनल के सब्सक्राइबर को लाइव काउंट होते हुए किस तरह हम देखेंगे? यानी तो आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो को देखा होगा जो कि अपने चैनल के सब्सक्राइबर को लाइव काउंट होते हुए दिखाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे लाइव काउंट होते हुए दिखाते हैं। बट अगर आप देखना चाहें अपने मोबाइल से तो आप किस तरह देखिएगा, चलिए इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताते हैं ताकि आप भी अपने चैनल के सब्सक्राइबर को लाइव काउंट होते हुए देख पाएं। अगर आप मोबाइल से कर रहे तो, अगर लैपटॉप या पीसी से कर रहे तो आप इजी तरीके से उसमें देख पाएंगे, बट अगर मोबाइल से कर रहे तो उसमें भी आप आसानी से अपने चैनल के सब्सक्राइबर को देख पाएंगे। बट अगर आप मोबाइल से कर रहे तो आपको सिंपली करना क्या, क्रोम ब्राउजर पे जाना है, क्रोम कर दिया, उसके बाद सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को आप जैसे ओपन कीजिएगा आपके सामने में यहाँ सर्च बार का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे लिखना है studio.youtube.com, यानी यहाँ देख सकते होंगे हिस्ट्री जो देखा है studio.youtube.com लिख के सर्च करना। अगर आप नए नए क्रोम ब्राउजर पे अपने चैनल को ओपन कर रहे हैं तो सिंपली आपको creatorstudio.youtube.com लिख के आपको सर्च करना है, समझ गए। सिंपली यहाँ पे हम studio.youtube.com लिख के सर्च किए, सिंपली यहाँ पे जो ये डेस्कटॉप मोड तरह यहाँ पे मेरा ओपन हो गया। सिंपली आपको भी करना डेस्कटॉप मोड पे ओपन करना, उसके लिए आपको करना होगा क्या, थ्री डॉट पे ऊपर में देख सकते होंगे, थ्री डॉट पे आपको सिंपली क्लिक करना। थ्री डॉट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ देख सकते होंगे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ डेस्कटॉप मोड का, यानी डेस्कटॉप साइट का। सिंपली आपको डेस्कटॉप साइट इसे यहाँ पे अनेबल कर देना ताकि आपका जो चैनल है वो जिस तरह लैपटॉप या पीसी में ओपन होता है चैनल, उसी तरह आपको मोबाइल पे ये ओपन हो जाएगा आपका चैनल, समझ गए। इस पर अनेबल करके सिंपली लॉगिन कर देना, जैसे आप लॉगिन कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे चलिए हम आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं, यहाँ ऊपर में लिखा है studio.youtube studio और यहाँ नीचे देख सकते हैं नो लॉगिन लिखा हुआ, सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में जो इस तरह आपके सामने में यानी आपका जो चैनल है ये दूसरे मोड पे ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, ऊपर में देख सकते होंगे ये, चलिए यहाँ पे ये यानी जिस तरह डेस्कटॉप मोड पे ओपन होता है ना उस तरह आपका जो चैनल यहाँ पे इजी तरीके से ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये मेरा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमें यह करना होगा कि अपने सब्सक्राइबर को लाइव देखना है, तो सब्सक्राइबर को लाइव देखने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ एक ऑप्शन आता होगा आपके सामने, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, चलिए थोड़ा जूम आउट करके दिखाते हैं। यहाँ एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हमारे सामने देख सकते हैं ये एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके चैनल का एनालिटिक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ओपन जैसे हो जाएगा उसके बाद आपको करना है क्या कि यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ इस साइड में देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ देखिए सी लाइव काउंट यानी व्यूज आप देख सकते हैं अपने सब्सक्राइबर को देख सकते हो। तो हमें देखना है सब्सक्राइबर देखने के लिए सिंपली यहाँ देख सकते हैं सी लाइव काउंट पर हमें करना है क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक कीजिएगा आपका जो सब्सक्राइबर हो कुछ इस तरह यहाँ पे देखने को मिले, यानी लाइव काउंट होना शुरू या फिर जैसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उस तरह यहाँ पे देख पाएंगे। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपने सब्सक्राइबर काउंट होते हुए तो अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देना, उसके बाद इस तरह ओपन कर देना। आप इसे जूम आउट भी कर सकते हैं, इस तरह भी जूम भी पूरा कर सकते हैं, उसके बाद जूम आउट भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप डिस्प्ले दिखा सकते हैं इस तरह। तो इस तरह अपने चैनल के सब्सक्राइबर को आपको लाइव देखना है, इस तरह आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर को इजी तरीका से देख लेना, जब भी आप देखना चाहें इस तरह आप देख पाएंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए अब दूसरी वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।